लोकसभा चुनाव के बीच विपक्ष ने चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। पोलिंग बूथ वाइज मतदान प्रतिशत के आंकड़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई है। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि वो किसी दिन खुलासा करेंगे कि किस तरह से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। लोगों के मन में शंकाएं पैदा हो रही हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने गुमराह करने वालों को कल जवाब दिया है, लेकिन हम भी इसका जवाब देंगे। आपको बता दें, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR ने पोलिंग बूथ वाइज मतदान प्रतिशत के आंकड़ों को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की थी। शुक्रवार को हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ADR की याचिका पर चुनाव आयोग को निर्देश देने से इनकार कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि पोलिंग बूथ वाइज मतदान प्रतिशत आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, इससे चुनाव आयोग पर भी सवाल उठे हैं। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शनिवार को लोकसभा चुनाव के छठे चरण के तहत दिल्ली में वोट डाला। वे राजधानी के न्यू मोतीबाग में अपनी पत्नी के साथ वोट डालने गए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की और बताया कि देश भर में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहे हैं, कहीं से भी हिंसा की खबर नहीं है। उन्होंने बताया सभी जगह मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार में शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है, उससे चुनाव आयोग और ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को लेकर सवाल हुआ। इस पर राजीव कुमार ने कहा, संदेह का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, किसी दिन हम सबको इसके बारे में बताएंगे और बताएंगे कि लोगों को कैसे गुमराह किया जाता है। इससे हमारी वोटिंग भी प्रभावित होती है, क्योंकि लोगों के मन में इस बात को लेकर संदेह पैदा होता है कि ईवीएम सही है या नहीं, वोटिंग लिस्ट ठीक है या नहीं। कल सुप्रीम कोर्ट ने इन सब का जवाब दिया, लेकिन हम भी किसी दिन जवाब देंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक एनजीओ की याचिका पर निर्वाचन आयोग को लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत के आंकड़े उसकी वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया। वोटिंग खत्म होने के बाद 48 घंटे के भीतर वोटिंग का डेटा सार्वजनिक किए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दखल देने से इनकार करते हुए कहा कि इस चरण में हम अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं। सुनवाई के दौरान जस्टिस दत्ता ने कहा कि हम चुनाव में बाधा नहीं डाल सकते, हम भी जिम्मेदार नागरिक हैं और हमें संयमित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। फेवर में नहीं बोलिए, मतलब जो सत्यता है उसको उन्होंने बोला, एक संशय का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। बताएंगे इसके बारे में सबको एक दिन जरूर। क्या क्या प्ले है इसमें, क्यों ऐसा होता है, क्यों शंकाएं पैदा की जाती हैं, इसके बारे में एक दिन खुलासा करेंगे और खुलासा करके सबको बताएंगे कि कैसे लोगों को गुमराह किया जाता है, कैसे हमें ऐसा लगता है कि इसकी वजह से तो शायद हमारी वोटिंग पे भी फर्क पड़ता है। लोगों के मन में शंका आ जाती है कि पता नहीं ईवीएम ठीक है कि नहीं है, पता नहीं वोटिंग की लिस्ट ठीक है कि नहीं है, पता नहीं नंबर तो नहीं बढ़ा दिया वोटिंग का।